आप सभी को नमस्कार एवं धन्यवाद। आज कहते हैं कि सुख के सब साथी दुख में ना को। जब हमारे पास पैसा होता है, संपत्ति होती है, तो सारे दोस्त लोग सुख में सभी लोग हमारे साथ देते हैं। लेकिन जब जीवन में दुख आता है, कष्ट आता है, तकलीफ आती है, उस समय संतों ने बताया कि कोई साथ नहीं देता है। क्योंकि ये अनुभव भी है कि जब हमारे जीवन में दुख आता है तो कोई साथ नहीं देता है। उस समय केवल हमारा साथ प्रभु परमात्मा ही देता है। क्योंकि जब हम हर चीज़ से जीवन में हार जाते हैं तो प्रभु परमात्मा को विनती करते कि हे प्रभु, अब क्या होगा, कोई ना कोई रास्ता दिखाओ। उस समय हमारी बुद्धि, हमारे विवेक से प्रभु हमें रास्ता दिखाते हैं कि इस रास्ते पे चलो, तुम्हारा कल्याण होगा। और उस रास्ते पे हम चलने की कोशिश अगर करेंगे तो ज़रूर हमारे जीवन में सुख आएगा। क्योंकि आज सुख की तलाश में ही पूरी दुनिया भटक रही है। कोई तन से दुखी है तो कोई मन से दुखी है, कोई धन से उदास है। सृष्टि में यही चक्कर चल रहा है। तन से जो दुखी हैं वो सोचते हैं कि मेरा तन स्वस्थ हो जाए, शरीर स्वस्थ हो जाए, मैं ठीक हो जाऊं, तो मेरे जीवन में सुख आएगा। लेकिन जब तन सुखी हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है, तकलीफ हो जाता है, तो उसमें मेरे जीवन में अभिमान आ जाता है और फिर मैं सोचता हूँ कि मेरे जैसा कोई नहीं है। लेकिन जब हम वही बीमारी अवस्था में रहते हैं तो वही ताकत और वही शरीर हमारा साथ नहीं देता है। इसलिए जब हमारे जीवन में शरीर स्वस्थ रहता है, उस समय हम लोगों के भले के, लोगों के परोपकार के काम करें। और कोई मन से दुखी हो जाता है। मन से दुखी क्यों होता है कि मन में जो इच्छाएँ होती हैं, आकांक्षाएँ होती हैं, वो हमारे जीवन में नहीं हो पाती हैं। और जब वो चीज़ें हमारे जीवन में नहीं हो पाती हैं तो मन दुखी होता है, चिड़चिड़ापन आता है जीवन में। लेकिन संत महात्मा बताते हैं कि उस समय सुमिरन करो, याद करो परमात्मा को, तो आपका मन भी स्वस्थ रहेगा। और जब मन स्वस्थ रहेगा तो हमारे जीवन में सुमति आएगी। और जब सुमति आएगी तो ये जान लीजिए कि सुख ही सुख मिलेगा। और कोई धन से उदास रहते हैं, धन से उदास इसलिए हम लोग रहते हैं क्योंकि जितनी भी आवश्यकता होती है उससे ज़्यादा अपेक्षा हमारे मनों में होती है। लेकिन धन परमात्मा जितना दिया होता है उतने में ही कोशिश करना है कि हम सुखी रहें। इसलिए कहा भी कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम का दास। कहते हैं कि प्रभु परमात्मा का जो सेवक होता है, जो दास होता है, वो सुखी रहता है। क्योंकि दुख भी आया तो तेरी कृपा से आया, सुख भी आएगा तो तेरी कृपा से आएगा। जीवन की जो दिनचर्या चल रही है वो भी तेरी कृपा से चल रही है। तो ये सारी चीज़ें तेरी कृपा से चल रही हैं, तो आगे भी रास्ता तू ही दिखाने वाला है। तो यही आगे का रास्ता प्रभु परमात्मा को समर्पित करते हुए हम जैसी भी वो स्थिति हमारे जीवन में, जैसी भी वो परिस्थिति, हम जीवन में खुश रहना सीखें। तो यही वचनों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। यही प्रभु परमात्मा से अरदास का तो विदाता ऐसी मेहर करना, कृपा करना हे ईश्वर, कि सभी के जीवन में खुशियाँ देना और अपने भक्ति से जोड़े रखना, ताकि उनके जीवन में कभी किसी को दुख ना आए। क्योंकि आज संसार किसी न किसी बहाने जीवन में दुखी है, तो उनको खुशियाँ प्रदान करना, सुख देना। तो इन्हीं वचनों से आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।